नमस्कार दोस्तों, आज के इस टेक वीडियो में हम यह जानेंगे कि जो भारत सरकार के द्वारा जीएसटी का ऐप लॉन्च किया गया जीएसटी रेट फाइंडर, उसे आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसे आप यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप गूगल प्ले स्टोर पे आ जाएं, वहाँ पे आप लिखिए जीएसटी रेट्स फाइंडर। उसके बाद आपको ये बंच ऑफ कई सारे ऐप्स मिलेंगे, लेकिन आपको पहला ऐप इंस्टॉल नहीं करना है। आपको यहाँ नीचे आना है, ये देखना है कि जीएसटी रेट फाइंडर का ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स का जो ऐप है, जो मैंने इंस्टॉल किया रखा है, इसे आपको इंस्टॉल करना है, क्योंकि यही ऑफिशियल ऐप है जो कि भारत सरकार के द्वारा या फिर वित्त मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है हम लोगों के सुविधा के लिए। तो आप इस ऐप को यहाँ से इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ से ओपन करना है। इस ऐप की अभी डाउनलोडिंग 1000 है। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहला टैक्स रेट्स, दूसरा टैक्स रेट सर्विसेज, तीसरा इंफॉर्मेशन एट द रेट ऑफ CBEC। तो टैक्स रेट्स गुड्स पे आपको जैसे जाएंगे तो आपको 0%, 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18% एंड 28% का आपको स्लैब मिलेगा। अब इसके अंदर आप जैसे इंटर करेंगे तो आपको जैसे 0% मिल गए हैं, तो 0% के अंदर जितने भी गुड्स को रखा गया, जितने भी प्रोडक्ट को रखा गया, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे है। जैसे मान लीजिए कि आप डिटर्जेंट पाउडर लेने के लिए गए हैं, तो आप यहाँ पर चेक कर लें कि वो 0% है कि नहीं। अब मान लीजिए कि आप चावल लेने के लिए गए हैं, तो वो चेक कर लीजिए कि वो किसके अंदर आ रहा है। तो यहाँ से आपको सारा पूरा डिटेल दिया गया है। कोई प्रोडक्ट अगर आप लेने के लिए जा रहे हैं तो उस पर कितना जीएसटी आपको लेना चाहिए और कितना लिया जा रहा है, वो डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप सर्विस को ले रहे हैं तो कुछ सर्विस को लेने में भी आपको टैक्स लगते हैं, तो वहाँ पे भी अगर आपसे ज़्यादा लिया जा रहा है टैक्स, तो आप यहाँ पे उसे भी देख सकते हैं और आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि जो आपसे टैक्स लिया जा रहा है वो टैक्स ज़्यादा है जो यहाँ पे मेंशन है, तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं टोल फ्री नंबर अभी स्क्रीन पे आप लोगों को दे दूंगा, आप उस टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वैसे आप चाहेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन एट द रेट ऑफ CBEC पे। यहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, यहाँ से भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जीएसटी रेट फाइंडर ऐप को फिलहाल कुछ दिनों तक अगर इंडिया में रहते हैं तो इसे आप इंस्टॉल कर लें, तभी आपको बेहतर जानकारी हो पाएगी और आप इससे एक तरह से समझ सकेंगे और ये आपके डेली लाइफ में जुड़ जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए ट्रिक्स एक्सपर्ट के साथ। उम्मीद करता हूँ मेरा ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया आपके लिए यूजफुल होगा। हम फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। यानी कहें तो कि इस ऐप में भी आप पहले की फीचर ऐप में जो था वो सारे फीचर्स का भी लाभ उठा सकेंगे, सिवाय कुछ को छोड़कर। लेकिन इस ऐप को मेनली बनाया इसलिए गया कि आपके फ़ोन में या फिर आपके जितने अकाउंट्स हैं, आप जितने जगह इन्वेस्ट किए हुए पैसे, वो सारे को डिटेल्स एक जगह आपको दिखाया जा सके, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, जिससे आप भूले ना, चाहे वो बिल पेमेंट हो, चाहे फिर अकाउंट हो, चाहे वो FD हो, चाहे RD हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे फिर डीमैट अकाउंट हो, कुछ भी हो, सारा कुछ जितना आपने इन्वेस्ट किया वो सारा आपको एक ऐप के तहत मिल जाए। इसलिए इस ऐप को HDFC ने लॉन्च किया है। तो इस ऐप को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको जानकारी दिया है ये जानकारी आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। क्योंकि अगर आप इस ऐप के बारे में नहीं जानते होंगे तो इस ऐप को आप इंस्टॉल करें। अगर आप HDFC के अकाउंट होल्डर हैं तो आपके लिए ऐप वाकई मददगार साबित होने वाला है। तो बने रहिए ट्रिक्स एक्सपर्ट के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल ट्रिक्स एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, देर किस बात।